नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला बनाई थी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के पक्ष में। हालांकि मानव श्रृंखला जिस उम्मीद से तेजस्वी यादव ने बनाई थी और जिस सफलता का दावा किया था, संभवतः वो पूरा नहीं हो सका। तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पटना की सड़कों पर तो वो हनक नहीं दिखी मानव श्रृंखला की। पटना की तमाम सड़कों पर हमारी टीम ने जायजा लिया तो वो नज़र नहीं आए लोग खड़े हुए। हालांकि दावा जरूर बड़े बड़े किए गए थे कि मानव श्रृंखला सफल होगी, खैर सफल नहीं हो सकी। पर अब इस पर तंज कसा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष के नेता नीतीश कुमार ने भी सबसे पहले कह दिया कि चलिए मानव श्रृंखला को उन्होंने माना तो सही, मानव श्रृंखला हमने ही बनाया था, नीतीश कुमार ने कहा। और नीतीश कुमार ने कहा हमने बाल विवाह, शराबबंदी के विरोध में, शराबबंदी पर के पक्ष में और मानव श्रृंखला बनाई थी। उसके बाद जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला बनाई थी। तो उसी श्रृंखला की तर्ज पर तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं तो अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने तंज कसा था तेजस्वी यादव पर, और अब तमाम नेताओं के द्वारा तंज कसने की झड़ी लग गई है। सभी नेता जो है तेजस्वी यादव की मानव श्रृंखला पर चुटकी ले रहे हैं, खूब चुटकी ले रहे हैं, हम आपको बताएंगे। तो नीतीश कुमार के बाद बारी आई जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो हम लोगों से ही ले लेते, मानव श्रृंखला के मामले में बिहार की फजीहत तो नहीं कराते। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी के आह्वान पर बनी रिकॉर्ड मानव श्रृंखला, दूसरी आपकी चंद लोगों की फ्लॉप मानव श्रृंखला। तो मतलब जीतन राम मांझी ने मानव श्रृंखला को पूरी तरह फ्लॉप बता दिया कि तेजस्वी यादव जी अगर जरूरत पड़ती, अगर जरूरत थी, अगर इतने कम लोग थे आपके पास तो हमसे बात करते, हम अपने आदमी दे देते आपको मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए। दरअसल आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने कल भी एक ऑफर रख दिया था तेजस्वी यादव के सामने और कहा था कि हम आपकी मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप उन किसानों की जमीन जो है वापस कर दें जो आपके आपके और आपके पिताजी ने नौकरी के नाम पर लिखवा ली है। तो तंज कसते हुए मांझी ने कल भी कहा था और आज मांझी ने कहा कि हम आपकी मदद को तैयार थे, अगर आप हमसे मदद मांगते, अगर इतना बुरा हश्र हुआ मानव श्रृंखला का, लोग नहीं जुट सके। तो मांझी ने तंज कसा। उसके बाद बारी आई जो मंगल पांडे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी आपके मानव श्रृंखला में बस मानव की कमी रह गई जिसके कारण श्रृंखला नहीं बनी। तो तंज कस रहे हैं तमाम नेता, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर जीतन राम मांझी, उसके बाद मंगल पांडे भी पीछे नहीं रहे और नीतीश की पार्टी के नीरज कुमार। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा वो सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। संपत्ति सृजन, भ्रष्टाचार, नरसंहार और अपराध के नाम पर माननीय लालू प्रसाद जी ने राजनीति को शर्मसार किया था, लेकिन बदलते दौर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सामाजिक सरोकार के विषय पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मानव श्रृंखला का। आज हालात यह हो गए कि माननीय तेजस्वी यादव जी लंबी तैयारी करके मानव श्रृंखला बनाने का दावा किया था। अरे जितना आपके पास संपत्ति है, आपके परिवार के पास जो अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 66 बीघा, 13 कट्ठा, 16 धूर, 3.45 धूर की और 4 मकान, इतना भी लोग, इसकी लंबाई चौड़ाई भी अगर माप लेंगे 66 बीघा का और 4 मकान का, उतना भी लोग नहीं जमा कर पाए मानव श्रृंखला में। ये पूरे तौर पर मानव श्रृंखला का जो फलाफल है वह बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा है। जनता ने इनके मानव श्रृंखला को राजनीतिक फर्जीवाड़ा करार दिया। तो नीरज कुमार जो है उन्होंने कहा कि अब तक की जानकारी के अनुसार लालू परिवार के पास 66 बीघा, 13 कट्ठा, 16 धूर और 3.45 धूर की और 4 मकान है, लेकिन तेजस्वी यादव 66 बीघा लंबाई चौड़ाई बराबर भी मानव श्रृंखला नहीं बना पाए। राजद की मानव श्रृंखला पूरी तरह फेल हो गई है, उन्होंने बिहार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। तो
चौथरपा हमला बोला गया है तेजस्वी यादव की मानव श्रृंखला पर। बड़े बड़े दावे किए गए थे आरजेडी की तरफ से, पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो शायद उन दावों को जुटलाते नजर आए। यानी मानव श्रृंखला पटना में ही फ्लॉप होती दिखी, जहां तेजस्वी यादव खुद हाथों में हाथ डाल के खड़े थे नेताओं के साथ। पटना के पार्क से, बुद्ध स्मृति पार्क से उन्होंने मानव श्रृंखला की शुरुआत की थी। हालांकि मानव श्रृंखला तो विवाद में घिर गया सुबह के वक्त से ही, जब उस वक्त खबरें आने लगी कि मानव श्रृंखला को प्रशासन की अनुमति ही नहीं मिली है। दरअसल आरजेडी की तरफ से कोई आवेदन ही नहीं दिया गया मानव श्रृंखला के लिए। उसके बाद आरजेडी ने एक लेटर दिखा दिया और कह दिया कि हमने मानव श्रृंखला के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा था, जो आलोक मेहता है पार्टी के राष्ट्र प्रधान महासचिव, उन्होंने गृह सचिव को 19 तारीख को ही पत्र लिखा था और यह जानकारी दी थी कि वो मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। तो खैर विवाद तो शुरुआत से ही शुरू हो गया था सुबह से ही। हालांकि मानव श्रृंखला में जो तस्वीरें निकल कर सामने आई तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के दावों को जरूर झटका लगा कि मानव श्रृंखला में लोग खड़े होंगे और किसान जो है, किसानों की समस्या को लेकर। दरअसल तेजस्वी यादव सड़क पर थे आज, और किसानों के लिए जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए आज कहा भी, दरअसल आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और सारा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्हें याद करते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है किसानों का आंदोलन सफल होना, और हम जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं उसे सफल बनाना, क्योंकि महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन से ही अपने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो खैर तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला को सफल नहीं बना सके और अब जो है उन्हें सत्ता पक्ष के नेताओं का तंज झेलना पड़ रहा है। तो हमने आपको बताया कि मांझी ने क्या कुछ कहा, मंगल पांडे ने क्या कहा और नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया था कि जो तेजस्वी यादव हैं वो उन्होंने कम से कम हमारे मानव श्रृंखला को माना तो सही कि सफल चीज है। खैर इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे थे कि मानव श्रृंखला के बाद क्या तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। एसेंस यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।